बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसको लेकर बड़ी से बड़ी पुलिसिया कार्रवाई तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन न्याय की मूर्ति के सामने शराबबंदी की धज्जियां उड़ाते हुए एक शख्स को आप पहली दफा देखेंगे। कहते हैं न्याय के मंदिर में खड़ा बड़ा अपराधी भी सच बोलता है, और इसकी जीती जागती तस्वीर भागलपुर के न्यायपालिका स्थित 10 कोर्ट भवन के उत्पाद कोर्ट 2 में देखने को मिली। दरअसल नवगछिया 222 कांड संख्या में गवाही देने को लेकर एक युवक को हाजिर किया गया था। उक्त युवक शराब के नशे में धुत था। जैसे ही उत्पाद कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने गवाह से इजलास पर बुलाकर मामले की पूछताछ की, उसी दौरान युवक के मुंह से शराब की गंध आने लगी, जिस पर विशेष लोक अभियोजक उत्पाद भोला मंडल ने युवक से पूछा कि क्या उसने शराब पिया है, जिसके बाद गवाह देने आए युवक ने कहा कि वह शराब पीकर कोर्ट में गवाही देने आया है, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ने शराब पीने के जुर्म में उक्त युवक को उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की। भोला मंडल ने बताया कि शराबी युवक का पहले ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया गया, जिसमें 82% अल्कोहल पाया गया, जिसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। बहरहाल अब सवाल उठता है कि शराबबंदी वाले बिहार में जहां उसकी धज्जियां उड़ाने की कई खबरें सामने आती है, वहीं न्यायालय के भीतर शराब पीकर जाने का दुस्साहस शराबबंदी की पोल खोलता दिखाई दे रहा है। नवगछिया 222 में गवाही को हम नोटिस दिए थे, गवाही आया, डॉग पे चढ़ाए उसको, गवाही कराने के दौरान उसके मुंह से स्मेल आया, तो हम लोगों को शंका हुआ कि ये शराब पिया हुआ है, तो हमने अपने स्टाफ के माध्यम से एक्साइज खबर दिया कि ब्रेथ इनलाइजर लेकर के इनका चेक कीजिए तो क्या शराब पिया है कि नहीं, मुंह महक रहा है इसका। उन्होंने गवाह के दौरान यह भी एक्सेप्ट किया कि हमने शराब पिया है। कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया इस पर? तुरंत तत्क्षण उसको ब्रेथ इनलाइजर से चेक किया गया और उसको लेकर के पुलिस ने गई है। शराब पीने की पुष्टि हो गई ना? शराब पीने के ब्रेथ इनलाइजर से चेक किया गया और 82% उसका निकला, शराब पीने की पुष्टि हुई, तब गया मेडिकल में उसको लेकर। यह तो दुस्साहस है, मर्डर है कि 302 मर्डर नहीं करना है। अगर मर्डर कर दे जानबूझ करके तो उसको क्या कहिएगा? मेरा कहना शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, और उसके बावजूद ही पी के आ जाए तो कानून अपना काम करेगी। बॉलीवुड की चर्चित फिल्म आई थी बैंड बाजा बारात, जिसमें सुपरस्टार रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा ने किरदार निभाया था। फिल्म के शीर्षक में शादी दुल्हा दुल्हन की जिंदगी में कितना अहम दिन होता है, इसे दिखाया गया था। ऐसी ही एक अनोखी शादी भागलपुर में भी देखने को मिली, जिसमें ना तो बैंड बाजा और ना ही बारात दिखे। जी हाँ, बिना गाजे बाजे के साथ शुक्रवार को एसपी कार्यालय से निकलकर एक जोड़े ने पास के ही मंदिर में विवाह रचा लिया। दरअसल नाथनगर थाना क्षेत्र के भवनाथपुर निवासी मदन पासवान और पीरपैती थाना क्षेत्र की रहने वाली आरती बिना बारात के शादी के बंधन में बंध चुके हैं। उन्होंने बताया कि दोनों में विगत वर्षों से प्रेम प्रसंग था, लेकिन लड़का पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता होने के कारण शादी को लेकर रजामंदी नहीं हो रही थी। हालांकि उनकी पहली पत्नी बच्चे को छोड़कर अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। पहली पत्नी के छोड़ देने पर मदन काफी अकेला हो गया था, और फिर किसी कार्यक्रम में मदन और आरती आमने सामने हुए। दोनों की बात पहले फोन पर शुरू हुई, उसके बाद उसका रिश्ता प्यार में बदल गया। दोनों ने अपने परिवार वालों से इसको लेकर बातचीत की, काफी मशक्कत के बाद लड़की के परिवार वाले तैयार हो गए, लेकिन शादी में शरीक होने से मना कर दिया, जिस कारण दोनों की शादी में आशीर्वाद देने के लिए परिवार का कोई भी सदस्य नहीं दिखा। हालांकि इस अनोखी शादी को देखकर एसएसपी कार्यालय के समीप दुल्हा दुल्हन को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी कर एक दूसरे का साथ देने की कसमें खाई। उन्होंने एक आवेदन वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को भी सौंपा है। आरती ने बताया कि मदन के 4 बच्चों से उसे कोई एतराज नहीं है और वह आगे का जीवन उसके साथ ही गुजारना चाहती है। मंदिर में यहाँ शादी कर रहे हैं साहब, क्यों कर रहे हैं? कब से दोनों में प्यार था?
ऐसा कोर्ट से शादी करना पड़ा, ऐसा क्या हुआ था? बोला है ना कारण है कि मेरा परिवार भाग गया। अच्छा पहले से भी शादी शुदा है आप? पहले से शादी शुदा है। तो ये लड़की कैसे जानते हैं? लाइसेंस लेके आ गया शादी करने के लिए? जबरदस्ती कराया जा रहा है? शादी शुदा लड़का बाल बच्चा लोग पसंद आ रहा है? कारण कारण ऐसे डर का है रहे? भागलपुर में भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पांडे की मौत मामले में पुलिस की जांच उलझती दिखाई दे रही है। दरअसल 27 अप्रैल की देर शाम आदमपुर स्थित दिव्य धाम अपार्टमेंट में अभिनेत्री की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। बता दें कि वह 22 अप्रैल को अपनी बहन बीना की शादी में शरीक होने आई थी। मृतका के पति चंद्रमणि जांगिड़ और परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि अमृता किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित थी, इसका मुंबई के किसी अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। हालांकि डॉक्टर ने उसे हैवी डोज की दवाई लेने की सलाह दी थी। गौरतलब हो कि अमृता ने इससे पूर्व कई दफा आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पति की माने तो अमृता अपने कैरियर को लेकर काफी चिंतित थी, जिस कारण उसने खुदकुशी कर ली। वहीं एफएसएल की जांच रिपोर्ट में यह सामने आया है कि अभिनेत्री ने खुदकुशी की थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में हत्या का जिक्र किया गया है, जिससे केस पूरी तरह सनसनीखेज बन चुका है। वहीं पूरे मामले को लेकर जब हमने सीनियर एसपी आनंद कुमार से बातचीत की तो उन्होंने पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट के अलग अलग पहलू पर यह कहा कि जहां एक तरफ आत्महत्या की बात सामने आ रही है तो वहीं दूसरी ओर गला घोटकर हत्या की बात सामने आ रही है। एसएसपी के मुताबिक दोनों जांच रिपोर्ट में विरोध स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेडिकल के एचओडी से इस मामले पर विशेष रूप से विचार विमर्श भी किया जाएगा। वहीं सिटी एसपी राज के नेतृत्व में विशेष एसआईटी टीम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और निश्चित तौर पर पुलिस केस के तह तक जाएगी। घटना हुई थी जिसमें कि एक डेड बॉडी मिली थी, दिव्य धाम अपार्टमेंट है जोक्सर थाना का, और 27 अप्रैल की घटना है जिसमें एक युवती की बॉडी मिली थी और उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि इन्होंने आत्महत्या कर लिया और परिजनों के द्वारा उसका इलाज भी कराया गया। और ये सारी चीज़ें जो नीचे बेसमेंट में लगा हुआ सीसीटीवी है उसमें सारी कैप्चर भी हुई। उसमें हम लोग के पास दो रिपोर्ट आई है, एक एफएसएल के द्वारा जो रिपोर्ट है और जो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर साहब हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, तो दोनों रिपोर्ट में कंट्राडिक्शन है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन के लिए जो जो फॉरेंसिक साइंस के जो एचओडी हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि एक पैनल बना के इसकी एनालिसिस कर लें और उसके बाद हम लोग को एक सप्लीमेंट्री ओपिनियन दिया जाए कि हत्या का जो मूल कारण है वो क्या था, आत्महत्या है या हत्या है। तो हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन की रिक्वेस्ट दे दी है और एक एसआईटी सीटीएसपी साहब के नेतृत्व में काम कर रही है और सभी बिंदुओं को जोड़ कर और सभी कड़ियों को जोड़ कर जिस निष्कर्ष पर भी हम लोग पहुँचेंगे तो उसके बाद आप लोगों को हम लोग बताएंगे कि घटना का कारण क्या है। देखिए एक रिपोर्ट आत्महत्या की तरफ इंगित करती है, दूसरी हत्या की तरफ इंगित करती है। तो दोनों मैं बोला ना कि जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है उसको रिजॉल्व करने के लिए उस पर फर्दर ओपिनियन के लिए डॉक्टर साहब को लिखा गया है। और अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में ससुराल वालों के द्वारा एक नवविवाहिता की हत्या के साजिश का मामला
प्रकाश में आया है। मामला कजरैली थाना क्षेत्र से जुड़ा है। मृतका की पहचान बिशनपुर निवासी जितेंद्र दास की 22 वर्षीय पत्नी कविता के रूप में हुई है। कविता मूल रूप से बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र स्थित कुलड़िया गांव की रहने वाली बताई जा रही है। लड़की के पिता अनिल दास पेशे से मजदूर हैं। मामले को लेकर मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या की है। मामले को लेकर परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर 1 बजे के करीब कविता अपनी मां से फोन पर बात कर रही थी और कुछ मिनट बाद उसके मौत की खबर परिजनों को मिली। जानकारी मिलते ही परिजन कविता के ससुराल पहुंचे तो उसका शव घर में पाया, जबकि ससुर बहादुर दास के अलावा उसकी सास और ननद घर से फरार हैं। वहीं लड़की का पति जितेंद्र दास दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में मजदूरी का काम करता है और घटना की जानकारी मिलने के बाद वह दिल्ली से रवाना हो चुका है। मृतका के परिजनों ने कहा कि कविता और जितेंद्र की शादी को 1 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ है और शादी के तमाम खर्च लड़के वाले को दिए गए थे, बावजूद उसकी हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर कजरैली पुलिस मौके पर पहुंची और लड़के के पिता बहादुर दास को हिरासत में ले लिया है। वहीं ससुर का कहना है कि उक्त मामले में उसे कोई जानकारी नहीं है, फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हम लोग में अमरपुर में थे, घर में थे, समझे ना, घर में जैसे जा रहे थे अमरपुर, ठीक ना, गप कर रहा था मोबाइल से माँ से भाई से बहन से लड़की ने, और उसके बाद गप करते करते उसका हाथ से मोबाइल छीन लिया, समझे ना, उसका ननद ने, और ननद ने गप मोबाइल छीन करके उसको मारपीट करके शांत कर दिया। उसका जैसे हम अमरपुर हम पहुँचे वैसे वहाँ से फोन आया कैसे डेट कर गया, अपडेट हुआ वो सारे सब घर से भाग गया। इसका किसकी मौत हुई है? लड़की का। भागलपुर नगर निगम के ढुलमुल रवैये से लोग काफी आक्रोशित हैं। दरअसल नाथनगर स्थित वार्ड 22 में पिछले कुछ दिनों से निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूरे वार्ड के गली और सड़क पर कचरा पसरा हुआ है। निगम की गाड़ी नहीं आने के कारण नालों में भी गंदगी पड़ी हुई है, जिसके कारण वार्ड के लोग कहीं ना कहीं बीमारी होने का भी अंदेशा जता रहे हैं। वहीं शनिवार को वार्ड में कई लोग एकत्रित हुए और उन्होंने निगम की स्वास्थ्य व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से निगम की गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए नहीं आ रही है, ऐसे में वे लोग कचरा कहाँ फेंकेंगे, साफ सफाई नहीं हुई तो सड़कों पर कूड़ा भरा रहता है, जिससे चलने फिरने में भी लोगों को परेशानियां होती है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि एक तो बराबर सड़क की सफाई नहीं होती है, उसके बावजूद इतने दिनों से वार्ड के सभी गलियों में कूड़ा भर गया है, जिसके कारण कूड़े की सड़ांध से बदबू आने लगी है। आलम यह है कि घर में रहना भी दुश्वार हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो लोग नगर निगम का घेराव करेंगे। मौके पर काफी संख्या में मोहल्ले के लोग मौजूद थे। उत्पाद कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेश सिंह ने दोषी को 5 साल की कैद और 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। मामले को लेकर विशेष लोक अभियोजक भोला मंडल ने बताया कि मामला 3 वर्ष पुराना गोराडी थाना कांड संख्या 36/2021 से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि 27 जनवरी की रात थाना की पुलिस गश्ती में थी, तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मुरहम ग्राम निवासी रंजीत कुमार सिंह द्वारा किराना दुकान की आड़ में विदेशी शराब की बिक्री की जा रही है, जिसकी सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए दुकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने किराना दुकान से शराब की 11 बोतलें बरामद की थी। 36/21 GR 177/21 और अभियुक्त रंजीत कुमार सिंह पकड़ाया था। कहानी यही है कि पता चला पुलिस को कि अपनी दुकान में शराब का खरीद बिक्री करता है। पुलिस छापेमारी किया और इस 375 का 11 बोतल काउंटर के पीछे से मिला, उसमें आज सजा सुनाई गई। कितने साल के? 5 साल की सजा, 1,00,000 रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों का।
भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर साहेब कोठी के पश्चिम बिहार से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ओझा बांध के किनारे झाड़ियों में एक युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ है। मृतका की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। वहीं शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शनिवार की सुबह दरियापुर साहेब कोठी के बिहार की तरफ गाँव के कुछ लोग घूमने गए थे तो देखा कि एक अज्ञात शव ओझा बांध के पास फेंका हुआ था। वहीं सबको देखते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना सजौर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही सजौर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस ने सबके शिनाख्त करने की भरपूर प्रयास की, लेकिन अब तक उसका शिनाख्त नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि मृतका की उम्र करीब 20 वर्ष है और शव कई दिनों पुराना है, जो पूरी तरह से सड़ और गल चुका है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।